माइक्रोसॉफ्ट एज ने कोपाइलट को सीधे ब्राउजर में इंटीग्रेट करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये एआई फीचर नए और गतिशील तरीकों से वेबसाइट से इंटरैक्ट करने की अनुमति देकर ब्राउजिंग अनुभव को बढ़ाता है। मैसेज या वेब पेज की कंटेंट लिखना चाहते हूँ या ब्राउजिंग में मदद चाहते हूँ, कोपाइलट वेब इंटरैक्शन को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कोपाइलट का एज में उपयोग के लिए पहले माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर डाउनलोड करना होगा। ये ऐसे कर सकते हैं, ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट एज वेब पेज microsoft.com/enus-edge पर जाएं। पेज के ऊपर डाउनलोड शब्द दिखेगा, शब्द पर क्लिक करें और डाउनलोड पेज पर जाएं। पेज पर आने के बाद विभिन्न वर्जन दिखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने वाला वर्जन चुनें, डाउनलोड पर क्लिक करें और इंस्टॉल करने के लिए ऑन स्क्रीन निर्देशों का पालन करें। एज इंस्टॉल करने के बाद कोपाइलट एक्सेस करना आसान है। स्टेप एक, माइक्रोसॉफ्ट एज खोलें। स्टेप दो, कोपाइलट आइकन पर जाएं, जो ब्राउजर विंडो में ऊपर दाएं कोने में स्थित होता है। स्टेप तीन, कोपाइलट पर क्लिक करके ब्राउजर फीचर्स खोलें। एज में कोपाइलट ब्राउजिंग को बेहतर बनाने के लिए कई फीचर्स प्रदान करता है। आइए एक नजर डालें, चैट कोपाइलट के साथ चैट करने की सुविधा देता है। कंपोज फीचर मैसेज, ईमेल या सोशल मीडिया पोस्ट का ड्राफ्ट तैयार करने में मदद करता है। फिर वहाँ चैट की कई स्टाइल्स हैं। प्रॉम्प्ट शेयर करने से पहले तीन में से एक चुनें। देखते हैं एज में कोपाइलट के साथ हर फीचर कैसे काम करता है। हम चैट फीचर से शुरुआत करेंगे। आप स्क्रीन पर दिखाई गई वेबसाइट पर जाकर इसे फॉलो कर सकते हैं। वेब पेज खोलते समय मान लीजिए आपको बॉस को वीकेंड शिफ्ट में अनुपलब्धता की जानकारी देने वाला ईमेल लिखने में मदद चाहिए। कोपाइलट मदद कर सकता है। पहले कोपाइलट में कंपोज फीचर खोलें। इसके बारे में लिखें कि अंतर्गत कोपाइलट को ईमेल के लिए निर्देश और संदर्भ दें। जैसे, मेरे बॉस जेमी के लिए ईमेल भेजें, जिसमें उन्हें बताएं कि मैं वीकेंड पर स्टोर में काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं निजी कामों में व्यस्त हूँ। अब आप टोन और फॉर्मेट चुन सकते हैं। वह आपके बॉस है, इसलिए आप लहजा पेशेवर चुनेंगे। फिर फॉर्मेट के अंतर्गत ईमेल चुनें। आखिरी स्टेप ईमेल की लंबाई चुनना है। छोटा चुनें। चुनने पर जनरेट ड्राफ्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आप कोपाइलट का बना हुआ ईमेल ड्राफ्ट एडिट करके कॉपी बॉस को भेज सकते हैं। आप लिखने के काम, बुलेट पॉइंट तैयार करने, लिंक्डइन पोस्ट बनाने, जानकारी की समरी बनाने या यहाँ तक कि रिपोर्ट तैयार करने में कंपोज मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और फीचर देखें, कोपाइलट एज के पीडीएफ की समरी बना और अनुवाद कर सकता है। आइए एआई ट्रेनर टूलकिट गाइड पर करीब से नजर डालें। आप ak.ms/AI-Trainer-Toolkit पर जाकर इसको फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ खोलें और ऊपर बाई ओर कोपाइलट से पूछें क्लिक करें। कोपाइलट पहले से खुला हो तो इस स्टेप को छोड़ सकते हैं। एक बार कोपाइलट खुल जाने पर आप पीडीएफ के बारे में कोई भी सवाल पूछकर उससे जुड़ सकते हैं, जैसे कि पीडीएफ का सारांश दो। कोपाइलट सारांश पेश करके आगे के सवाल सुझाएगा, जैसे कि मैं ट्रेनर एआई टूलकिट गाइड को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। अगर आप इस सवाल पर क्लिक करेंगे तो यह आपको पीडीएफ में डाउनलोड लिंक पर क्लिक करने और उपलब्ध भाषाओं की जानकारी देगा। कोपाइलट से पूछें बटन के दाईं ओर तीन काले डॉट्स होंगे, क्लिक करने से रीड अलाउड फीचर दिखेगा। चलिए इसे आजमाएं। रीड अलाउड पर क्लिक करें और पीडीएफ अपने आप पढ़ी जाएगी। दाईं ओर के वॉइस ऑप्शन मेनू से पढ़ने की स्पीड और आवाज का प्रकार बदल सकते हैं।
कोपायलट से पूछें कि बाय और अनुवाद फीचर है। आप पीडीएफ को विभिन्न भाषाओं में बदल सकते हैं। आइए फ्रेंच भाषा चुनें। जिस पीडीएफ में आप अनुवाद करना चाहते हैं उसमें टेक्स्ट हाईलाइट करें। टेक्स्ट फील्ड में यह अनुवादित हो जाएगा। एच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उन्हें इमेज विवरण के तौर पर कोपायलट के साथ शेयर कर सकते हैं। रचनात्मक चैट की स्टाइल में आपके पास GPT-4 और DALL-E 3 जैसी एडवांस AI क्षमताओं की एक्सेस होती है। एडवांस AI फीचर के एक्सेस के लिए ज्यादा रचनात्मक स्टाइल पर क्लिक करें। फिर स्क्रीनशॉट जोड़े विकल्प चुनें। कर्सर को कोपायलट के विश्लेषण वाले क्षेत्र पर ड्रैग करें। अगर आप चाहते हैं कि कोपायलट बस टूलकिट में क्या शामिल है का सारांश दे, तो उस सेक्शन का स्क्रीनशॉट लें और हरे तीर पर क्लिक करके वो इमेज का विश्लेषण करें। स्क्रीनशॉट के कोपायलट में दिखने पर विश्लेषण के लिए एक प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इमेज का विश्लेषण करें और 2 वाक्यों में बताएं AI ट्रेनर टूलकिट में क्या है। फिर कोपायलट उस अनुरोध के अनुसार 2 वाक्यों में स्क्रीनशॉट का सारांश प्रदान करेगा। कोपायलट अधिक सुलभ अनुभव के लिए टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट क्षमताओं को भी देता है। माइक्रोसॉफ्ट एज में कोपायलट को इंटीग्रेट करने के साथ एक बहुमुखी AI साथी बस आपके इशारों पर है, जो वेब कंटेंट को संक्षेप में देने से लेकर मैसेज तैयार करने जैसे कामों में मदद करने के लिए तैयार है। कोपायलट का एज में इंटीग्रेट करने से आप ज्यादा उत्पादक ऑनलाइन अनुभव का मजा ले सकते हैं।